अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, लास्ट टॉपिक में हमने प्रैक्टिस की थी कुछ अल्गोरिथम्स की। तो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम लोग अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो टेस्ट डाटा का होगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि हम लोग वर्किंग चेक करते हैं अल्गोरिथम के, फ्लो चार्ट के और प्रोग्राम के भी, कोई टेस्ट डाटा देके। जो एक्चुअल डाटा तो नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसा डाटा होता है जिससे हमें क्लियर हो जाता है कि उसकी वर्किंग ठीक हो रही है कि नहीं हो रही, जिस चीज़ के लिए हम उसको टेस्ट आउट करेंगे, चाहे वो एल्गोरिथम हो, चाहे वो प्रोग्राम हो या फ्लो चार्ट हो। ठीक है जी। तो टेस्ट डाटा बेटा कि आफ्टर राइटिंग एल्गोरिथम इट इज यूज, क्या एल्गोरिथम लिखने के बाद किसी यूज होता है तो चेक वेदर द सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। कि टेस्ट डाटा किस लिए यूज होगा कि हम लोग देखेंगे कि क्या सॉल्यूशन जो हमने दिया है वो ठीक है या नहीं ठीक है। ठीक है जी। इसलिए टेस्ट डाटा यूज होता है। फिर आफ्टर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम वी नीड टू टेस्ट डाटा टू चेक आउट वर्किंग ऑफ प्रोग्राम। कि हमें जब हमने एल्गोरिथम चेक कर लिया, टेस्ट डाटा देखे, तो फिर हमने जाहिर सी बात कोडिंग करनी है उसके बाद। तो कोडिंग करने के लिए हमें चेक करना पड़ता है कि क्या हमारा ये जो दिया हुआ डाटा है या जो हमने जो एल्गोरिथम में लिखा या जो इंस्ट्रक्शंस लिखी गई प्रोग्राम के अंदर, क्या वो सही काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले, प्रोग्राम की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले, इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं टू पुट इट ऑन साइट, कि जहां पे उसने चलना है वहां पे उसके इंस्टॉलेशन को हम लोग इम्प्लीमेंट बोलते हैं। इम्प्लीमेंटेशन से पहले प्रोग्राम खुद से उसको चेक करता है। तो टेस्ट डाटा हमें प्रोग्राम की वर्किंग को चेक करने के लिए भी चाहिए, फ्लो चार्ट की वर्किंग को चेक करने के लिए चाहिए। अब इससे सॉल्यूशन जो है ना हमें अच्छा मिल जाता है। अब अगर इसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस करें हम लोग कि ये चाहिए क्यों हमें, तो टेस्टिंग इज एसेंशियल टू पॉइंट आउट द एरर्स। जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग टेस्टिंग नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा वो हमारा जो प्रोग्राम है या हमारा एल्गोरिथम है वो वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो उसके लिए हमें टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। तो टेस्टिंग करने के लिए हमें टेस्ट डाटा चाहिए। उसके बाद हेल्प इन इंप्रूविंग सॉल्यूशंस। कैसे इंप्रूव करता है सॉल्यूशंस को, कि अगर हमारे कोई वैल्यूज जो हैं वो अकॉर्डिंग टू डिजायर्ड रिक्वायरमेंट्स नहीं आ रही, सॉल्यूशन वैसा नहीं मिल रहा जैसा मिलना चाहिए, तो हम क्या करते हैं अपनी टेक्निक्स यूज कर लेते हैं, अपनी कोडिंग या अपने स्टेप्स को चेंज करते हैं, तो उससे हमारे सॉल्यूशन में इम्प्रूवमेंट आती है, तो हमारा सोल्यूशन ठीक आ सकता है। उसके बाद टू इम्प्रूव कमर्शियल यूज। कमर्शियल यूज क्या बैंक्स के अंदर फॉर एग्जांपल जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं या जो डेटाबेसेस के अंदर सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, ये कमर्शियली यूज हो रहे हैं, या जो आप लोग सॉफ्टवेयर आपने एक बनाया बना के फॉर एग्जाम्पल उसको सेल आउट कर रहा है, तो अगर उसकी टेस्टिंग नहीं की हुई उसने तो कमर्शियल यूज में तो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। कहेंगे भाई इसका तो रिजल्ट ही नहीं सही आ रहा है, इसकी आउटपुट भी सही आ रही है, तो उसका कमर्शियली यूज जो है ना, जो लोगों के लिए इस्तेमाल है, वो इम्प्रूव हो सकता है कमर्शियल यूज अगर हम लोग टेस्टिंग करेंगे तो। ठीक है। और अगेन टेस्टिंग के लिए हमें टेस्ट डाटा रिक्वायर होगा। उसके बाद टू इम्प्रूव करेक्टनेस। जाहिर सी बात है कि जब सोल्यूशन में इम्प्रूवमेंट मिलगी तो करेक्ट होगा, उसकी करेक्टनेस को, किसी भी प्रोग्राम की करेक्टनेस को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग जो है वो टेस्टिंग करते हैं। ठीक है जी। अब टेस्टिंग के लिए मैंने आपको बताया कि टेस्ट डाटा रिक्वायर्ड होता है। तो टेस्ट डाटा जो रिक्वायर्ड होता है ना बेटा, वो क्या होता है कि आपका जैसा प्रोग्राम होगा बेटे वैसा ही आपका टेस्ट डाटा होगा। क्रिएशन ऑफ प्रॉपर एंड सफिशिएंट टेस्ट डाटा इज की एक्टिविटी टू इम्प्रूव सॉल्यूशंस। कि जो आपकी क्रिएशन है किस चीज की, सफिशिएंट टेस्ट डाटा की, कि जो आपका मुनासिब और फ्लो के अंदर टेस्ट डाटा आ रहा होता है, प्रॉपर एंड सफिशिएंट एनाफ होगा जो, वो क्या की एक्टिविटी है किस चीज की, सॉल्यूशन की इम्प्रूवमेंट की। जाहिर सी बात है कि आप, हमने कहा था कि एक केस पे रिलाई नहीं करते हम, एक टेस्ट डाटा पे रिलाई नहीं करते, कि हमने एक दफा टेस्ट डाटा दे दिया तो हम हमारा काफी हो गया। तो हमने कहा था कि हम बार बार उसकी टेस्टिंग करेंगे, बार बार, तीन दफा, चार दफा, पांच दफा, दस दफा, कि जब तक हमें ये इंश्योर ना हो जाए कि हमारा जो प्रोग्राम है, हमारी जो कोडिंग है, हमारा जो एल्गोरिथम है,
वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल करेक्ट है, तो हम लोग टेस्ट डाटा उसको दे के देख कराते हैं। तो उसके लिए सुफिशियंट डाटा चाहिए होता है, काफी डाटा चाहिए होता है। एवरी सॉल्यूशन में नीडेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। जाहिर सी बात है, जिस तरह का प्रोग्राम होगा आपका और जिस तरह की प्रॉब्लम होगी आपकी, उसके सॉल्यूशन के हिसाब से टेस्ट डाटा चाहिए होगा। इसलिए टेस्ट डाटा को जो 5 टाइप्स में कैटेगराइज किया हुआ है। सॉरी, सबसे पहले वैलिड टेस्ट डाटा, उसके बाद इनवैलिड टेस्ट डाटा, उसके बाद बाउंडेड टेस्ट वैल्यूज है, रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स हैं और एब्सेंट डाटा है। ये 5 तरह का जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, ये 5 पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट कर सकती है। अब वैलिड टेस्ट डाटा बेटा क्या है? वैलिड टेस्ट डाटा दैट कंपाइल्स विद द इनपुट रिक्वायरमेंट ऑफ एल्गोरिथम, कि जो आपके एल्गोरिथम की इनपुट की रिक्वायरमेंट्स है ना, उनके साथ कंपाइल करें, उनके साथ कॉप करें, मैच हो जाए उनके साथ। ठीक है, अब कैसे कि फॉर एग्जांपल एक एल्गोरिथम है जो वैल्यूज ले रहा है 1 to 100, किसी एक कैलकुलेशन के लिए वैल्यूज ले रहा है 1 से लेकर 100 तक, 1 से 100 तक। तो हम लोग कैसे इसको टेस्ट आउट करेंगे कि अगर तो वो वैल्यूज जो है बिटवीन 1 to 100 ले रहा है, इजीली एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो आपका वैलिड टेस्ट डाटा है। ठीक हो गया जी, आपका वैलिड टेस्ट डाटा। इसका मतलब है डाटा इज कंपाइलिंग विद योर एल्गोरिथम रिक्वायरमेंट, कि डाटा आपका कंपाइल कर रहा है किसके साथ, एल्गोरिथम रिक्वायरमेंट के साथ कंपाइल कर रहा है। ठीक है जी, उसके बाद इनवैलिड टेस्ट डाटा है कि जो आपका करता ही नहीं है, कंपाइल नहीं करता, इनवैलिड होता है। ठीक है, अब वैलिड का टोटली ऑपोजिट जो है वो इनवैलिड होगा। समझ आ गई कि इसमें इसके अंदर क्या है कि जो इनवैलिड टेस्ट डाटा है, अब देखिए आप केसेस सारे चेक कर सकते हैं इसमें, किसी भी एल्गोरिथम को टेस्ट करने के लिए ये सारे जो है वो आपको देना पड़ते हैं कि अगर चले जो वैलिड चीज है वो हमने दी, तो उसके ऊपर तो कंपटीशन परफॉर्म कर रहा है। क्या हम अब फॉर एग्जाम्पल इनवैलिड टेस्ट डाटा कि अब मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ कि रेंज यही है, लिमिट यही है 1 से 100 तक, हम लोग एंटर कर रहे हैं 150, तो आपका क्या मैसेज जनरेट होना चाहिए कि डाटा इज इनवैलिड, कि आपका डाटा क्या है, इनवैलिड है, ये एक्सीडिंग लिमिट में है, द लिमिट ऑफ डाटा इज एक्सीडिंग, इनमें से कोई भी एरर इसको डिस्प्ले कर देना चाहिए। ठीक हो गया जी, ये आपका बोलता है, या इम्प्रॉपर डाटा आप उसको बताना चाहिए, नोटिफाई करना चाहिए कि ये डाटा इम्प्रॉपर है, ये प्रॉपर नहीं है। ठीक है बेटा जी, अब बाउंड्री टेस्ट वैल्यूज, कि आपकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती है उन पे टेस्ट किया जाता है, 100 इसकी एक्सट्रीम वैल्यू है यहाँ पे, तो इसके ऊपर टेस्टिंग की जाए। ठीक है, या तो एक्सट्रीम वैल्यू के ऊपर टेस्टिंग की जाती है, बहुत हाई वैल्यू पे जो आपकी लिमिट्स होती हैं, या आपकी क्या है कि बहुत लो वैल्यू के ऊपर इसकी कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, तो ये आपका बाउंड्री टेस्ट वैल्यूज होगी, बाउंड्री बोलते हैं ना उसको, आपकी जो चार दीवारी होती है, जिस तरह क्रिकेट के ग्राउंड में एक बाउंड्री रखी होती है, फुटबॉल के ग्राउंड में एक लाइन लगाई होती है कि ये बाउंड्री से बाहर चला गया, तो अब इसकी बाउंड्री क्या है कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स को हम लोग बाउंड्री बोलते हैं, जो आपका दायरेकार होता है उसके अंदर, तो इस लिमिट में हम 1 जो इसकी लो बाउंड्री होगी और 100 इसकी हाई बाउंड्री होगी। ठीक हो गया जी, अब रॉन्ग डाटा फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट तो हमारा न्यूमेरिक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने नंबर एंटर करना, हम कोई डिजिट एंटर करने की बजाय हम लोग अल्फाबेट एंटर करके देखें। ठीक है, हमने डाटा का फॉर्मेट ही रॉन्ग कर दिया, तो क्या होगा कि आपकी जो है वो जहां पर न्यूमेरिक वैल्यू एक्सेप्ट हो रही थी, ठीक है, वहां पर आपने अल्फाबेट एंटर कर दिया, तो फिर देखते हैं कि आपका वो जो नंबर्स वाला एल्गोरिथम है कहीं अल्फाबेट्स पे काम तो नहीं कर रहा। ठीक है ना, इसलिए आपका रॉन्ग डेटा फॉर्मेट भी देना पड़ता है। अच्छा जी, अब आगे आपका एब्सेंट डेटा, एब्सेंट का मतलब है जो नॉन। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने अभी आपको एक ही दी ना यहाँ पे कि एक इनपुट ले दिया 1 से 100 के दरमियान, आपका एक एल्गोरिथम हो फॉर एग्जाम्पल, जितना हमने लास्ट लेक्चर के अंदर उसमें दो प्रोसेसेस किए थे कि उसमें हमने सेल्सियस को फारेनहाइट और फारेनहाइट को सेल्सियस में किया था, तो
उसमें क्या है कि एक इनपुट के अंदर तो एक जगह पे तो हम लोग डाटा एंटर कर रहे हैं, ठीक है, वो तो इनपुट एक्सेप्ट कर ली। जो दूसरा वेरिएबल है जहाँ पे दूसरी इनपुट कर रही है, हम लोग वहां पे इनपुट नहीं करते। तो हम देखते हैं कि क्या अगर डाटा एब्सेंट होगा तो फिर भी आपका वो जो एक इनपुट है उसके ऊपर ही तो कंप्यूटेशन परफॉर्म कर करके नहीं दिया जा रहा, ठीक है। तो ये यहां पर जो है हमें ये चेक करना पड़ता है कि आपका जो सिस्टम आपने बनाया सॉल्यूशन का, वो सॉल्यूशन जो है इन सिचुएशंस के अगेंस्ट कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। कि अगर वैलिड डाटा देंगे तो फिर वो कैसे रिएक्ट करता है, अगर इनवैलिड डाटा देंगे तो फिर कैसे रिएक्ट करता है, अगर आप बाउंड्री वैल्यूज के ऊपर जाके टेस्टिंग करेंगे तो फिर क्या रिएक्शन होता है, अगर आप रॉन्ग फॉर्मेट दे रहे हैं तो फिर क्या रिएक्शन होता है, अगर आपका डाटा ही आधा प्रेजेंट है आधा एब्सेंट है तो फिर क्या होता है, या अगर आपका सारे ही डाटा एब्सेंट है तो फिर क्या होता है, ठीक है जी। तो जब हम लोग ये इन सारी कंडीशंस इन टाइप्स ऑफ डाटा के टेस्ट डाटा के टाइप्स हैं, ये सारे पांच के पांच टेस्ट डाटा के टाइप्स हम लोग अप्लाई करके देखते हैं किसी भी एक वर्किंग के ऊपर, किसी भी एक एल्गोरिथम के ऊपर या प्रोग्राम के ऊपर, तो तब हमें पता चलता है कि आइदर और प्रोग्राम और एल्गोरिथम इज करेक्ट और इनकरेक्ट, कि हमारा जो एल्गोरिथम है उसकी वर्किंग करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है जी। तो ये सारे टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा हम लोग उसके ऊपर इंप्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने कहा था कि एक टेस्ट केस के ऊपर लाइन करना है कि आपने सिर्फ ये कर लिया 1 से 100 के दरमियान में फिगर दिया कि हाँ ठीक है एक्सेप्ट कर रहा है तो चले जी हमारा वर्किंग ठीक होगी, नहीं हो सकता है कि वो आउट ऑफ लिमिट भी एक्सेप्ट कर रहे, फिर क्या करेंगे आप, ठीक है। फिर तो जब आप उसकी बाउंड्री से एक्सीड करेंगे फिर तो उसकी एक्यूरेसी जाती रहेगी, ठीक है ना जी, फिर तो वो करेक्टनेस जाती रहेगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए आप इस केस को भी टेस्ट करेंगे, फिर आप बाउंड्री वैल्यूज को भी करेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि अगर ज्यादा इनपुट्स आपकी एक्सट्रीम वैल्यू के ऊपर हो रही है तो आपका प्रोग्राम गड़बड़ करना शुरू कर दे, इतने डिजिट्स को हैंडल ही ना करना शुरू कर पाए। फिर आप रॉन्ग फॉर्मेट एंटर करके देखेंगे कि क्या हमारा ये फॉर्मेट तो न्यूमेरिक है, फर्ज करेंगे न्यूमेरिक है तो उसके अंदर हमने अल्फाबेट दे दिया तो क्या ये अल्फाबेट तो नहीं कंसिडर करी जा रहा, तो क्या ये रॉन्ग फॉर्मेट तो नहीं एक्सेप्ट करी जा रहा, ठीक है जी। और फिर उसके बाद हम लोग एब्सेंट डाटा देखेंगे कि क्या हमारा जो एल्गोरिथम है या हमारी प्रोग्रामिंग है या हमारा जो फ्लो चार्ट है वो ऐसे ही वर्किंग तो नहीं करी जा रहा कि डाटा हम दे नहीं रहे तो वो रिजल्ट कंपाइल करी जा रहा, ठीक है ना, कि नल वैल्यूज को एक्सेप्ट तो नहीं करी जा रहा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो टेस्टिंग के अंदर शामिल होती हैं। उम्मीद है कि आपको जो है वो टेस्टिंग समझ आ गई होगी। अगर इस टेस्टिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ कमेंट्स में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग वैलिडेशन को डिस्कस करेंगे, और अगर टाइम हुआ तो फिर साथ नेक्स्ट लेसन के अंदर ही हम लेक्चर के अंदर ही समराइज करेंगे सारे चैप्टर वन, ठीक है जी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।